भारत के कई राज्य जिनमें अभी मतदान होना बाकी है उनकी जीडीपी विकास दर में पिछले 5 साल में पहले के मुकाबले भारी गिरावट आई है। इनमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। पांचवें, छठे और सातवें चरण में जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें से कुछ राज्यों में पिछले 4 साल में उसके पहले के साल के मुकाबले विकास की क्या स्थिति रही, ये जानने की कोशिश करते हैं सीएसओ और आरबीआई के सरकारी आंकड़ों के जरिए। कांस्टेंट प्राइसेस पर बिहार में वित्त वर्ष 2006 से 2014 के बीच जीडीपी विकास दर औसतन 9.79% रही, जो कि वित्त वर्ष 2015 से 2018 के बीच सिर्फ 7.6% रही। वहीं दिल्ली में वित्त वर्ष 2006 से 2014 के बीच जीडीपी विकास दर औसतन 9.98% रही, जो कि वित्त वर्ष 2015 से 2018 के बीच 9.1% रही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में पहले जीडीपी विकास दर 7.78% थी, जो अब 7.2% रह गई। झारखंड में पहले जीडीपी विकास दर 7.73% थी, जो अब सिर्फ 5.5% रह गई। महाराष्ट्र में पहले जीडीपी विकास दर 9.3% थी, जो अब 7.8% रह गई। राजस्थान में पहले जीडीपी विकास दर 7.56% थी, जो अब 7.2% रह गई है। उत्तर प्रदेश में जीडीपी विकास दर 6.73% थी, जो अब 6.6% रह गई है। और पश्चिम बंगाल में जीडीपी विकास दर 6.86% थी, जो अब 6.5% रह गई है। इसी तरह करंट प्राइसेस पर भी इन राज्यों की जीडीपी विकास दर में पिछले 5 साल में भारी गिरावट आई है। इस बार जब इन राज्यों में मतदान होंगे, जाहिर सी बात है कि विकास का ये पहलू भी मतदाताओं की नज़र में ज़रूर होगा। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।